गाइस गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? तो गाइस आप सब ठीक ही होंगे अपने अपने घर में। तो गाइस मैं तो वोट डाल के आ चुकी हूँ, आज जगह जगह वोट डाले जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको वोट के दिन बता सकती हूँ। तो मैं तो अपना वोट डाल के आ चुकी हूँ और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए जगह जगह वोट डाले जा रहे हैं, ये देखिए घर की। तो मैं तो अपना वोट डाल के आ चुकी हूँ, अभी मैं आई हूँ ऑटो लेने के लिए, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी बताने से कि धूप है और मैं ऑटो का वेट ही कर रही हूँ। चलो काम हो गया, मैंने भी वोट डाल दिया, अब इवनिंग ड्यूटी है आज मेरी। गाइस मैंने ले लिया ऑटो और इतनी धूप है और जगह जगह वोट डाले जा रहे हैं, जैसे कि थोड़ा ट्रैफिक लग गया है। और आज वैसे छुट्टी भी है हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल की छुट्टी होती ही नहीं है, हॉस्पिटल की छुट्टी हो तो चलो गाइज। मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल और करूँगी पंच। अभी पंच कर रही हूँ। यार पंच क्यों नहीं होता? हो गया वो तो, क्या डांट रही है, तो नहीं होगा। चलो ठीक है, मेरा पर्स तो मेरा ऑटो में छूट गया, हैंड पर्स था, हैंड पर्स तो पर्स में छूट गया, ऑटो वाला चला गया होगा। देखिए गुड भैया, ऑटो वाला गया, ऑटो वाला मेरा पर्स छूट गया। सो मेरे ना मुझे पैसे थे वो नहीं, 2000 रुपये थे कुल, लेकिन उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, अब मैं क्या करूँ, ऑटो वाले का नंबर भी नहीं पता क्या होगा। देखो गाइस मेरा पर्स छूट गया, हैंड पर्स मेरा ऑटो में, उसे मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, वैसे तो कुछ ज़्यादा खास चलो पैसों की तो हो नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स थे, अब मुझे चिंता हो गई क्या करूँ, ऑटो वाला भी चला गया, अब ढूंढने थोड़ा जाऊँगी कहाँ चला गया, नंबर भी नहीं पता मुझे तो उसका। जल्दी आई तो गलत भी तो हो गया ना मेरे साथ, हैंड पर्स ऑटो में छूट गया और क्या, उसे मेरे डॉक्यूमेंट्स से मैं मतदान दे कर करके आ रही थी और फिर भी मेरा ऑटो भी छूट गया, हैंड पर्स, इतना दुख हो रहा है मुझे। क्या करूँ मुझे बताना, मैं तो ऑटो वाले का नंबर लूंगी ना, मैंने ऑटो वाले का नंबर लिया ना, मैंने उसकी स्कूटर का नंबर लिया, मेरा डॉक्यूमेंट, गाइस मेरी हेल्प कर, मेरे डॉक्यूमेंट्स, बड़ा गुस्सा आ रहा मुझे तो। तो गाइस देखा इतनी जल्दी में रहने का, मुझे लगा कि आज मैं जल्दी चली जाऊंगी, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी और जल्दी मतलब सब खुश हो जाएंगे कि चल जल्दी आ गई, आज इनमें एंट्री भी जल्दी हो जाएगी, हम भी फ्री हो जाएंगे, लेकिन क्या पता था कि ऑटो में ही मेरा पर्स छूट जाएगा, हैंड पर्स, मुझे तब फील हो रहा ना मुझे। देखो गाइस मेरे को ना मेरे डॉक्यूमेंट्स का ज़्यादा फील है मुझे, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स थे, अभी मैं एक मेरा ATM कार्ड था उसे तो मैं चलो अभी ब्लॉक करा दूँगी, और फिर भी इतनी जल्दी भी नहीं रहना चाहिए कि हमारा मतलब नुकसान हो जाए, अब मेरा तो नुकसान ही हो गया ना, तो टेंशन हो रही है मुझे, क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया, ये चीज़ें ना गलत लगती है। मैं इतनी मन से आई थी कि चलो आज टाइम से पहुंच जाऊंगी, आज मैं घर से इतनी जल्दी निकली हूँ, 11 बजे घर से निकली हुई हूँ, 11 बजे जाने के बाद मैंने पहले वोट डाला, फिर वोट डालने के बाद सीधा ऑटो के यहाँ पर आ गई हूँ, और क्या मिला मुझे फिर फ़ायदा, मेरे को क्या पता था कि ऑटो में मेरा, अब ऑटो का नंबर भी नहीं लेके रखते ना, हमें थोड़ा नंबर याद रहेगा। तो आज तो सच में बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई, बहुत ज़्यादा, क्या करूँ, अब टेंशन हो गई मुझे, मेरा मन भी नहीं करेगा कि मैं काम करूँ, क्या करूँ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, 57 तो क्या करूँ, मेरा पर्स खो गया, मेरा कैसे काम करने, दिल लगेगा यार, मैं कंप्लेन तो लिखवा कर आ चुकी हूँ नीचे भी, और कैमरे भी बोल दिया कि भैया आप कैमरे देख लेना, मेरे को टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। गाइस फाइनली घर पहुँच गई हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए, तब मैंने उनको ये बताया तो उनको भी बुरा लगा और उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं आगे से ध्यान रखना, और छोटा मोटा ऐसे होता ही रहता है, और मैंने अपनी कंप्लेन करा दी है, मेरी जो डॉक्यूमेंट्स थी, और बहुत टेंशन होती मुझे, मेरे हस्बैंड बस लेना है, मुझे समझाया और उन्होंने कहा चलो आगे से ध्यान रखना, ऐसे आगे से मत करना और केयरफुली रहना है आपको,
तो गाइस मैंने बहुत बड़ी गलती करी, बहुत मुझसे मतलब मेरा हैंड पर्स छूट गया, बहुत दुख हुआ इस चीज़ का, क्योंकि मुझे ना पैसों की तो कोई वो नहीं थी टेंशन, लेकिन जो मेरे उसमें डॉक्यूमेंट्स थे वो तो अब ब्लॉक करा दिए मैंने। गाइस कम से कम ऑटो वाले को तो होना चाहिए था कि चलो मैडम का पर्स आ गया दे दूँ, वो भी लेके फुर हो गया, भाग गया। कम से कम उसको सोचना चाहिए था कि मैडम का पर्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, बेचारी परेशान होगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑटो वालों को। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी बस केयरफुल रहना, ऑटो में कोई चीज़ ना छोड़े, बार बार चेक करना कि हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। बड़ा दुख हुआ मुझे, लेकिन चलो कोई नहीं, हो गया। अब ये ट्रेजिडी होनी थी तो हो ही गई, अनहोनी को कौन रोक सकता है गाइज। तो गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए गाइज। तब तक के लिए मुझे अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।